खुशियों भरे त्यौहार का आखिरी रोज़, शहरी तीसरे रोज़ भी खूब जोशो खरोश से मनाने में मसरूफ़। दावतों का सिलसिला जारी, तफरी गाहों में खासा रश, रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी। चटपटे पकवानों, स्वीट्स और दीगर डिशेस से खातिर तवाज़ो। ईद पर सफारी पार्क पिकनिक पॉइंट बन गया, बच्चों और बड़ों का खूब हल्ला गुल्ला। मछलियों का इको प्रिंट, परिंदों के पिंजरे और हिरन डेजर्ट सयाहों की तवज्जो का मरकज। शहरियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पूरे पार्क की सैर का मजा लिया। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी से लाहौर की सड़कें वीरान, परदेसियों के जाने से शहर में कुछ बेरौनकी का एहसास। शाहराहों की नजर आने वाली वसत बता रही है कि शहर की सड़कें काफी बड़ी हैं, अक्सर सूरतों में हम खुद अपनी गलतियों की वजह से ट्रैफिक जैम का सबब बन जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात, मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका के बारे में आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से गुफ्तगू की। आवाम से किए वादों की ज़रूर पूरा करने का ऐलान किया गया। पंजाब में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे, आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कायद नून लीग की रुकने पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर इन्हें मुबारकबाद भी दी। बिजली की कीमतों में कमी आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से ईद का खुसूसी तोहफा है। वफाकी वज़ीरे इत्तलात अता तारड़ का कहना है, हालात में इसी तरह बेहतरी रही तो बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी होगी। हुकूमत बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम उठा रही है, आवाम को रिलीफ देने के लिए बेहतरीन हल सामने ला रहे हैं। पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर, आसान इकसाद पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। पहले मरहले में 19,000 बाइक्स फराहम की जाएंगी। बिला सूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपये सब्सिडी देगी। ईद तातीलात में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ खसूसी क्रैकडाउन, पहले दो रोज़ में 1460 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पार्कों, तफरीहों, तारीखी मकामात के गिर्दोनवा में वार्डन्स की इजाफी नफरी भी तैनात। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, खास मेहमान बने लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम जागो लाहौर की जान। तीसरे रोज़ भी शोबिज़ सितारों की भरपूर शिरकत, गुलकार अहसन अब्बास और रुहेल की खूबसूरत आवाज़ ने समा बांध दिया। गुलकारा ऐनी ताहिरा और हीरा जिशान ने भी आवाज़ का जादू जगाया। प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के सानू नहर वाली पुल ते।
अदाकार हमजा अली अब्बासी का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा, बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए, ईद का केक भी काटा। हमजा अली अब्बासी ने बच्चों के लिए किए गए इकदाम पर चेयरपर्सन सारा अहमद की काविशों को सराहा। गंदुम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। काश्तकार 13 से 17 अप्रैल तक बारदाना के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। तर्जुमान महकमे खुराक के मुताबिक बारदाना का इजरा 19 अप्रैल से होगा। 22 अप्रैल से गंदुम की खरीदारी शुरू होगी। बारदाना पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर दिया जाएगा। महकमे फूड की जानिब से सूबे भर में 393 गंदुम खरीदारी मराकज कायम। काश्तकारों से गंदुम 3900 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदी जाएगी। T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आने से कबल न्यूजीलैंड की टीम को झटका। दो अहम खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से आउट। दोनों ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। विकेटकीपर और ऑलराउंडर इनकी जगह टीम में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की 800 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त में शामिल। UHS मेडिसिन के शोबे में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह बनाने में कामयाब। आलमी तालीमी थिंक टैंक QS लंदन की जानिब से सर्टिफिकेट जारी।